हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो लेक्चर सीरीज़ किया था उसमें हमने हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसका पार्ट वन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी टुक अप डांडी मार्च मूवमेंट ऑन, मतलब गांधी जी ने डांडी मार्च मूवमेंट को कब शुरू किया था। तो ये शुरू किया गया था आपका 12th मार्च 1930 को, और ये ख़त्म हुआ था आपका 6th अप्रैल 1930 को। और ये जो जब शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था आपका साबरमती आश्रम से। तो काफ़ी लोग निकले थे गांधी जी के साथ, करीब 80% उस समय जब स्टार्ट हुआ था तो करीब 80 के आसपास वो संख्या थी। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनके साथ लोग जुड़ते गए, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ के ऑथर कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ ये बुक गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, गांधी जी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जीज रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, मतलब ये जो कहावत गांधी जी ने कही थी कि अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, ये किस प्रपोजल के अगेंस्ट में कहा गया था? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया था आपका क्रिप्स मिशन के विरोध में, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में मार्च में आया था, और इसका काम एक्चुअली ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है तो उस सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। तो इसलिए ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन का काम क्रिप्स मिशन का काम यह था कि उसने ब्रिटेन को जो लॉस हो रहा था तो उस लॉस को कम करने के लिए ब्रिटिश शासन जहाँ पर भी था तो वहाँ पर जा जाके वो उस इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी से पैसा निकाल के अपना वार लड़ने में लगा रहे थे। तो क्रिप्स मिशन का काम भी कुछ वही था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर आकर कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम भी फिर आपको सहयोग करेंगे। और ये क्रिप्स मिशन के हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें कौन कौन इसमें शामिल थे। एक्चुअली काकोरी कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं, काकोरी मतलब एक जगह है उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास, तो उसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था। तो ये जो ट्रेन लूटा गया था ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 में, और इस रॉबरी में आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जो थे वो शामिल थे। और क्योंकि ये जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जो हैं, ये आपके एक जो पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे बिलोंग करते थे, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे इस घटना में। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, अशफाक उल्ला खान। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी आर दास, और सी आर दास के साथ स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू और नरसिम्हम चिंतामन केलकर, ये इन तीनों ने मिलकर स्वराज पार्टी को बनाया था, और स्वराज पार्टी को इन्होंने बनाया था 1922 में, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, सी आर दास। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रेस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932, मतलब किसने इनमें से किसने सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कही थी 1932 अगस्त में? तो
एक्चुअली ये कहा गया था रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी चालाकी से इस बात इंडियंस के सामने ये रखा कि चलो हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, इंडियंस का दिल जीतने के लिए अपर कास्ट के लिए अलग से इलेक्टोरेट हो, लोअर कास्ट के लिए अलग से इलेक्टोरेट हो, मुस्लिम्स के लिए अलग से हो, उसके बाद इस तरह से जितने भी इंडिया में डिवीज़न थे कम्युनिटी वाइज, उस कम्युनिटी वाइज पे उन्होंने इलेक्टोरेट की बात कही थी। लेकिन इसके पीछे इनका मेन मुद्दा ये था कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली फेल्ड हो गया था। मतलब वो कुछ काम उसमें हुआ नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडियंस को किसी तरह से मना पाए तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ बात बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये इलेक्ट्रोड की चाल चली थी। तो ये किया गया था आपका रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट देखते हैं, द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वो कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में, और इसका ऑर्डर दिया था आपका जनरल डायर ने, नहीं, कॉलोनल रिग्रांट डायर ने। तो इसलिए इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज टू, मतलब 1927 में जो बटलर कमिटी बनी थी, तो उसका मेन मुद्दा क्या था, मतलब उसका मेन काम क्या था? तो बटलर कमीशन का मेन काम यह था कि वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, मतलब उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और इंडियन प्रिंसली स्टेट है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा रहे। मतलब उनका काम यह था कि टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम में और इंडियन प्रिंसली स्टेट, क्योंकि उस समय इंडिया जो था ऐसा, मतलब जैसा आज का इंडिया है उस तरह का नहीं था। उस समय इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो एक तो इंडिया का पूरा पूरी सेंट्रल एक तो इंडिया का गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट आज हम कहते हैं, और उस समय प्रिंसली स्टेट्स भी अलग अलग अपने रूल से गवर्न करते थे। तो बटलर कमिटी का काम यह था कि इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन थे, मतलब इसे किन्होंने लिखा था? तो इसको लिखा गया था, इसे लिखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हु वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह, मतलब इंडिया के स्ट्रगल के समय, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय कौन पहले थे जिन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये है गांधी जी। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। उसके बाद उसमें काफ़ी लोगों ने जुड़ना चालू किया। तो ये काफ़ी बड़ा बना, पहले गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया, फिर अहमदाबाद मिल में सत्याग्रह हुआ वहाँ के इंडस्ट्रियल लेबर्स के लिए, फिर खेड़ा सत्याग्रह किया। तो इसलिए गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह का प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह तो नील की खेती के लिए है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो है वो अहमदाबाद सत्याग्रह है, क्योंकि अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो आपका 1917 से 1918 के बीच हुआ था। उसमें हुआ यह था कि इस समय काफ़ी मतलब सूखा पड़ा था, और काफ़ी सूखा नहीं, मतलब काफ़ी बीमारियां वगैरह जिसे प्लेग कहते हैं उस टाइप का पड़ा था। तो काफ़ी लॉस हो रहा था वहाँ के मिल मालिकों को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेबर से कहा कि हम आपको अभी तनख्वाह नहीं दे सकते, बाद में देंगे। तो फिर जब परिस्थिति नॉर्मल हुई तो उन्होंने बोनस वगैरह देने से मना कर दिया। तो इस बात पर गांधी जी ने वहाँ के मिल वर्करों के साथ मिलकर एक सत्याग्रह किया, और फिर उनको लगभग 35% जो है बोनस उनको दिलवाया। तो इसलिए
अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में इंडिया आया था, और कैबिनेट मिशन का काम यह था कि जब पावर ट्रांसफर हो रहा था ब्रिटिश इंडिया से इंडिया के ऊपर, मतलब हमारा जो इंडियन लीडरशिप है उनको, तो कैबिनेट मिशन का काम ही वही था कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया लीडरशिप, ताकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो तो उसे एक अच्छा लीडर मिले। तो इसलिए कैबिनेट मिशन का काम पावर ट्रांसफर का था। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन वाज, मतलब लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ था उसमें मेन उनका मुद्दा क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या था? लाहौर कांग्रेस जो है, लाहौर कांग्रेस आपका 1929 में हुआ था, और इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे, मतलब इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का स्लोगन किनके द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का स्लोगन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, हु वॉज नोन एज द फ्रॉन्टियर गांधी, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं? फ्रॉन्टियर गांधी किनको कहा जाता था, या फिर सीमांत गांधी? तो फ्रॉन्टियर गांधी जो है वो अब्दुल गफार खान जी को कहा जाता था, ये उन्हीं का एक नाम था। और अब्दुल गफार खान जो है वो महात्मा गांधी के काफ़ी मतलब प्रिय थे। तो हुआ यह था, जब पार्टीशन हुआ था तो अब्दुल गफार खान जो है वो मुस्लिम लीग के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे, मतलब उनका विरोध कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग होना चाहिए, मतलब पार्टीशन नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना था। तो जब पार्टीशन हो गया तो अब्दुल गफार खान जी पाकिस्तान में चले गए। तो उस इस लेकिन उनका जो मेन आइडियोलॉजी था वो बिल्कुल गांधी जी के ऊपर बेस था, मतलब वो गांधी जी को फॉलो करते थे। और अब्दुल गफार खान जी को 1987 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए, अब्दुल गफार खान। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि और कौन से चैप्टर्स अभी होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नियर है। तो चलिए, थैंक यू।